सो हिप गाइस का सबसे मैं आपका निकू और आप देख रहे हैं निकू व्लॉग्स। तो ये देख लो गाइस, अभी नवाई सुबह के 6 बज रहे हैं और आज फाइनली गाइस थाईलैंड जा रहे हैं। गाइस सारी पैकिंग वगैरह सब होगी। ये देख लो गाइस सुबह के 6 बजे भाई सभी उठे हुए हैं और पापा जी छोड़ने जाएंगे हमें। चलो और ये देख लो गाइस अजय, गाइस पापा ने और इसने मिलकर सारी प्लानिंग बना ली पीछे से घूमने की। ये भाई बहुत सारी जगह घूमने जाएंगे भाई, पीछे से प्लानिंग बना के बैठे भाई ये सारी जगह जाने की। यदि तुम जाएंगे ना वैसे हम चले जाएंगे। चलो भाई गाइस जो मैं देख रहा है सुबह सुबह उठ के कहाँ जा रहे हैं। कह रहे मत जाओ भाई, मस्त हवा चल रही है सुबह सुबह। सुबह के 6 बजे मस्त वाली हवा चल रही है। गाइस अभी मम्मी और रिया को 9 दिन के लिए बाय बोल रहे हैं। अजय ने गाइस शिड्डू का पासपोर्ट खुद ही वापस दे दिया, कह रहा तुम जाओ अब मेरे को नहीं जाना, खुश है। गाइस पापा ने और अजय ने मिलकर प्लानिंग बनाई है कहीं घूमने की बाहर। ये देख लो गाइस सुबह का सूरज बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं भाई। गाइस फाइनली भाई एयरपोर्ट आ गया। तो गाइस फाइनली भाई एयरपोर्ट पे आ गया है और ये देख लो गाइस कल तक बहुत दुखी था और आज गाइस बहुत खुश है हमारे जाने पे। कुछ गड़बड़ करेगा ना पीछे से? ना ना कोई गड़बड़, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है पीछे से, है ना? बहुत खुश हो रहा है आज तू? नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। गाइस पूरे रास्ते खुश हो गया है, कह रहा भैया जाओ 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 100% कहीं और का प्लान बना रखा है, अंदर की बात है। और गाइस पापा इसको घूमने का प्लान भी बन रहा है भाई। जाओ भैया जाओ, कोई दिक्कत है? गाइस मेरे को भाई गड़बड़ लग रहा है, कोई ना कोई अब इसको छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा। प्लान नहीं बता रहा, प्लान क्या है भैया? कुछ भी नहीं है। कितना राजी हो रहा है अंकल को जान दो मैं भी। ठीक है भाई बाय। ठीक है 9 दिन के बाद मिलेंगे भाई। बाय भैया। भाई बहुत खुश हो रहा है, मेरे को बता दे प्लान बता दे। बाय बाय भैया। फाइनली भाई सारी चेकिंग वगैरह सब होगी और यहाँ पे ना गाइस बहुत टाइम लग रहा है, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है सब कुछ भाई, है ना चीनू? गाइस चीनू को तो मना कर दिया था भाई, चीनू नहीं जाएगा, फिर भी गाइस बहुत चीजें दिखाई तब जाके अलाउ किया है भाई। बच गया तू, अभी तो घर वापस जाता। ये देख लो गाइस क्या नंबर आया गेट का, बिल्कुल एंड तक जाना भाई एयरपोर्ट पे। चलते चलते हमें 11 मिनट होगी चलते चलते, एक्साइटमेंट खत्म होते जा रही है। अभी 11 मिनट और लगेगी। ओ भाई ये लिफ्ट आ गई। चलो गाइस अभी भाई चावल खा रहे सब मिलके। ये देख लो गाइस चावल खा रहे सब मिलके। हाँ भाई क्या हाल चाल है? ये देख लो गाइस एयरप्लेन की स्पीड कितनी होती है, 800 की स्पीड पहुंच गया भाई, 800 की स्पीड से चल रहा भाई। गाइज मैं तो भाई मैप में देखने लग रहा हूँ कि कहाँ पे पहुंच के, अभी थोड़ा सा टाइम और फिर थाईलैंड पहुंच जाएंगे। गाइस फाइनली थाईलैंड आ गया है और यहाँ पे आने के बाद वीजा ले रहे हैं, मतलब वहां तो लगवाया नहीं, तो सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी, फोटो वोटो। फाइनली गाइस फाइनली भाई थाईलैंड आ गए। ये देख लो गाइस कितने पागल है थाईलैंड के एक्साइटमेंट में, थाईलैंड आ गए भाई चिल्ला पड़े एकदम खुश हो गए सारे देखने लग गए। गाइस अभी यहाँ सीधा होटल में जाएंगे, टैक्सी बुक करिए, मित्सुबिशी आएगी भाई, बीच में ही गाड़ी खड़ी कर दी भाई साहब हमारे लिए। ये देख लो गाइस 6 बजने वाले हैं, इंडिया से 1.5 घंटे आगे टाइम है इसका। और यहां पे गाइस एक चीज बहुत नोटिस कर रहा हूं, सारी गाड़ियों के ना भाई शीशे ब्लैक है भाई पूरे। ये देख लो गाइस सारी गाड़ियों के ब्लैक शीशे भाई, ये देख लो गाइस इन गाड़ियों के भी ब्लैक शीशे भाई, गाइस थोड़े थोड़े भाई ट्रक के भी ब्लैक शीशे भाई, सबके ब्लैक शीशे भाई। भाई साहब गाइस कितना सुंदर है भाई साहब। गाइस फाइनली होटल भी आ गए, अभी ना गाइस रात हो गई है। थाईलैंड वेलकम टू थाईलैंड, वेलकम टू बैंकॉक, थैंक यू थाईलैंड। फॉर्च्यूनर जैसी लग रही है भाई, पर फॉर्च्यूनर है नहीं है, बहुत बढ़िया है। गाइस दुबई की तरह कार है यहाँ पे भी, दुबई की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पे भी। रूम अच्छे हैं भाई, रूम 7:30 बज रहे हैं, अब आके होटल में पहुंचे भाई साहब। पूरे दिन से भाई एयरपोर्ट प्लेन वगैरह वीजा ऑन अराइवल चलना फिरना टैक्सी वगैरह इन सब चीजों में लगे हुए थे। मैं पाद मार दूंगा।
गाइस सुबह से भाई बहुत थक गए थे। ये होटल से बाहर भगा देंगे, मैं रुक जाओ भाई बैठ जाओ। गाइज आते भाई थोड़ा बहुत फ्रेश हुए, थोड़ा बहुत रेस्ट किया और अब जाके उठे है भाई। अभी हमारा प्लान भाई, हम ना मार्केट में जाएंगे, कुछ खाएंगे, हम सबको भाई भूख लग रही है। यहाँ भाई मार्केट में पता है क्या, बिच्छू मिलते खाने के, लिटरली बिच्छू मिलते हैं खाने के। कीड़े खा जाएगा। ये क्या कर रहा है? ये क्या बात करता है यार? कीड़े कैसे खा पाएगा? खा लूंगा। कीड़े नहीं खा पाएगा भाई। यहाँ पे गाइस जो स्ट्रीट फूड है ना मार्केट का, वहाँ पे गाइस कीड़े बिच्छू वगैरह ये सब मिलता है। होटल के अंदर तिजोरी भी है, पासपोर्ट वगैरह जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना भाई तिजोरी में रख देते हैं भाई। भाई सही चीज है भाई, तिजोरी है यहाँ पे तो। ये देख लो गाइस रिक्शा भी मॉडिफाइड है भाई। अलॉय व्हील्स लगा रखे गाइस रिक्शा में, और एग्जॉस्ट भी है भाई रिक्शा में। गाइस अभी ना भाई मार्केट में जा रहे हैं, और यहाँ की रिक्शा देखो गाइस मॉडिफाइड है, एग्जॉस्ट भी लगा हुआ है इसमें। ओ भाई गाइस ये रिक्शा का एग्जॉस्ट है भाई, सुपर बाइक भी फेल है भाई। गाड़ी में बैठने मजा नहीं है ना, रिक्शा में बैठने मजा आ रहा है। ये देख लो भाई रिक्शा में भाई चार चार म्यूजिक सिस्टम लगे हुए हैं भाई। गाइस ये रिक्शा पसंद आई मेरे को यहाँ की, कार में नहीं घुमा करेंगे रिक्शा में ही घूमेंगे। कितनी तेज आवाज है भाई गाइस, ये भगा भी बहुत तेज रहा है भाई। ओ भाई ये क्या चीज है, ये देख लो गाइस कैसे ठंडी कर रहे हैं भाई बोतलों को। गाइस अबे एक दिक्कत है, हर एक घंटे में बारिश हो रही है भाई। गाइस यहाँ खाना देख रहे हैं भाई कैसा है, अलग अलग चीज खा के देख रहे हैं भाई। गाइस ये ना भाई नई शॉप खुली है स्मूदीज की, तो इन मैम की शॉप है। ये देख लो गाइस ये ट्राई कर रहे हैं, ट्राई करते हैं गाइस कैसा है। बहुत मस्त है, ऐसा कभी नहीं पिया भाई पहले, मजा आ गया भाई। ये रहा चीनू कीड़े खा लेगा, कोई नहीं खा पाएगा इनको। ना गाइस भाई पूछ रहा है भाई मसाला डाल के दूं या नहीं दूं। चाचा ये सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या भाई, इनको कौन खाता है भाई, कौन खाता है इनको? ओ ओ ओ ओ ओ ओ पागल है क्या तुम्हारे साले का, खोपड़ी तोड़ साले का। ओ भाई साहब ये कीड़ा खा गया भाई, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई साहब, ओ भाई कीड़ा खा लिया भाई इसने, मारो मुझे। भाई भाग लो इससे दूर हो जाओ सारे, यू थोड़ी कुछ भी खा लेगा तू। गाइस दुनिया में बहुत सारी चीजें बनी है खाने की, यार कैसे खा गए भाई। ओ भाई कैसे खा गए जानवर के, ये 60 में गाइस 120 रुपए का है भाई ये कीड़ा, पैसा बर्बाद। कुछ भी खाने लग जाएगा, समुद्र वाली चीज भी मिल रही है भाई यहाँ पे। गाइस हम तो भाई आ गए भाई, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है भाई। गाइस अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, थाईलैंड वाला खाना ट्राई करेंगे, देखते हैं भाई कैसा है। इसने गाइस कीड़ा खा लिया भाई, भाई मैं ना दूसरे भाई दूर बैठ भाई। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है, दूसरा रिक्शा करवा रहे हैं भाई, इसके साथ नहीं बैठेंगे, दूर बैठ के देखो यार। यकीन नहीं हो रहा गाइस कीड़ा खा लिया इसने भाई, वो हाई कर रही है, हम बाय कर रहे हैं गाइस। ये सुपर कार की आवाज नहीं है, रिक्शा की आवाज है भाई पटाके। गाइस अभी थाई रेस्टोरेंट आ गए, और यहाँ का खाना ट्राई करते हैं भाई, देखते हैं गाइस थाईलैंड में क्या फूड मिलता है। थाईलैंड रेस्टोरेंट में तो आ गए, क्या ऑर्डर करें? मैंने बोल दिया भाई जो भी थाईलैंड का बेस्ट फूड है ना वो लेके आ जाओ। इस बार हमने बोला भाई वेज लेके आना बस, है ना, कीड़े मकोड़े नहीं खाने भाई हमें, नहीं खाने। ओ भाई ये देख लो गाइस खाना आ गया भाई, कह रहे थाईलैंड का बेस्ट खाना है भाई साहब, ये क्या चीज है भाई। लेकिन एक सेकंड, हाउ मेनी राइस, क्या ये, व्हाट इज दिस क्रैब भाई। ओ भाई ओ भाग लो भाई, ओ भाई यहाँ पे क्या है भाई ये, ओ भाई साहब भाई अभी क्या मिल रहा भाई, जहाँ देखो ना भाई यहाँ पे कीड़े मकोड़े मिल रहे हैं, यहाँ पे गाइस फंस गए। कह रहे क्रैब, दाल चावल खाने भाई, घर का खाना खाने, घर का खाना है, घर के खाने की याद आ रही है भाई, घर का खाना खाना है। गाइस हमने पेमेंट करी और खाना छोड़ के ही भाग गया है भाई वैसा का वैसा। ब्रो वी नीड इंडियन फूड, घर का खाना खिला दो भाई, इंडियन फूड खाना, वी नीड इंडियन फूड, दाल रोटी भाई, घर का खाना खा लो। क्या कह रहे भैया, इंडियन मिल जाएगा, चलो इंडियन खाना खा रहे हैं, चलो गाइस फाइनली इंडियन खाना मिल गया, चलो भाई तो गाइस दाल खाएंगे भाई। यहाँ पे ना गाइस सारी अलग चीज थी, बहुत मुश्किलों से इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा। गाइस अभी ना भाई होटल में जा रहे हैं,
तो गाइस फाइनली भाई रूम में आ गए, और जब निकले थे ना भाई रूम से तो लगा नहीं था भाई ये सब देखने को मिलेगा। हम तो गाइस एक रेस्टोरेंट में गए थाई फूड ट्राई करते, हमने जो भी थाईलैंड का फूड बेस्ट है ना वेज में वो ला दो। बहुत महंगे वाला केकड़ा लिया है, और जैसे बताया ना भाई केकड़ा छोड़ के भाग गया भाई वहां से। वो भाई कह रहा भाई खा के जाओ बहुत टेस्टी है भैया खाओ खाओ, मतलब हमें मना रहा कि खाने के लिए। हम तो गाइस छोड़ के भाग गए वहां से। गाइस उसके बाद इंडियन फूड ढूंढा और दाल रोटी खाई, और चीनू गाइस आते ही सो गया भाई। ये देख लो गाइस, गाइस चीनू भाई सदमा लग गया ये सब देख के। गाइस चीनू मजाक सोच रहा था पर इसने देख लिया भाई सब मिलते हैं यहाँ पे, कुछ भी खा रहे हो कुछ भी। आधी चीज तो गाइस समझ में भी नहीं आ रही थी, चले गए गाइस वहाँ से। बाकी गाइस अभी 1:30 बज रहे हैं, इंडिया के हिसाब से 12 बज रहे हैं, तो फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग। फिलहाल इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो चैनल। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।